हेलो डियर स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता विद द बायोलॉजी चैप्टर ऑफ क्लास 9, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लास्ट टाइम वी हैव कम्प्लीटेड टिल द सेल बेसिक स्ट्रक्चर्स अबाउट द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने लास्ट टाइम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आउटर सरफेस जो है सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. एंड उसके अंदर वाली जो लाइन रहती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो फिर हम सेल मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन. और उसके अंदर जो ये लिक्विड पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. एंड देन द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज टू बी ए न्यूक्लियस. लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी उसको जाना जाता है, और उसमें डीएनए जो उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, दैट इज़ एन हेरिडिटरी यूनिट. सो वो हेरिडिटरी यूनिट एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. तो लास्ट टाइम वी हैव कम्प्लीटेड विद द न्यूक्लियस, आज हम सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ सेल वॉल में बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या है. दैट इज़ एन आउटर सरफेस ऑफ एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो किस में फाइंड होता है, दैट इज़ प्लांट सेल में एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई में ऑब्टेंड होता है. बाकी एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता. तो इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाउंड इन मेनी बैक्टीरियाज, प्लांट सेल एंड फंजाई, नॉट इन एनिमल सेल. तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता चल गया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. और वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, बैक्टीरियाज में एंड फंजाई में. नाउ इसका फंक्शन क्या, वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, अंदर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करेगा. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन. एंड ये पता चल गया कि क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको और प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को. नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक बार देख लेते हैं. साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ फ्लूइड बिटवीन और अ फ्लूइड पार्टिकल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गेनल्स. जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें थोड़े बहुत ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो ये पोर्शन क्या हो गया, दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स के बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. इट कंटेन, अब वो फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये तीनों कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन मूवमेंट. जैसे कि अगर कोई एक ऑर्गेनल्स को या तो फिर कोई भी एक मैसेज हो, अगर हमको इधर से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना हो या तो फिर उसको भेजना हो, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू वो मूव करके यहाँ तक वो मूव हो सकता है. सो दैट इज़ एन फंक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लोकेशन अगर हम पता करें तो हमें पता ही है कि सेल के जो आउटर सरफेस या तो फिर सेल का जो आउटर सरफेस है, जो सराउंडिंग किया हुआ है किसको, न्यूक्लियस को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या तो फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने आउटसाइड एंड इनर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहते हैं, कुछ फैक्टर्स को ही वो अंदर या तो फिर बाहर जाने देता है, नहीं तो सारे इन्फॉर्मेशंस को वो बाहर नहीं जाने देता. दैट्स वाई वी आर सेइंग एज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका फंक्शन क्या, इट इज़ अ फिजिकल बैरियर ऑफ द सेल एंड सेपरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रू द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. जैसे कि मैंने बोला कि वो कुछ मटेरियल्स को ही अंदर आने देता है और जिनको वो बाहर जाने की इजाज़त दे वही वो बाहर जा सकते हैं. तो वो प्रोटेक्ट करता है या तो फिर फिजिकल बैरियर है जो आउटर सरफेस है या तो फिर आउटर एनवायरमेंट है हमारे सेल के, जो आउटर एनवायरमेंट होगा उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा अंदर के सारे पार्ट्स को. तो हियर वी हैव कम्प्लीटेड द फंक्शन. अब के सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होता है वो अब हम जान लेते हैं कि सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन
सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन हम किसे बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. बिकॉज जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कोई कोई मटेरियल्स या तो फिर कोई कोई फैक्टर्स को ही वो अंदर आने देता है या तो फिर अपने बॉडी में से या तो फिर वो सेल में से बाहर जाने देता है. सो दैट इज मीन्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कि सिलेक्टिव कोई भी ऐसा सिलेक्शन करेगा और उसी को ही वो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल भेजेगा. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है. इस तरफ वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और इस तरफ वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लो है. सिर्फ हमने वाटर लिया हुआ है, बस इसमें कंसंट्रेशन हाई है और ये कंसंट्रेशन लो है. सो मूवमेंट कहाँ से होगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कैसे? कि अगर जैसे कि इधर कोई चीज़ कमी है तो वो क्या करेगा, हायर से जो जिसके पास ज़्यादा है वो उससे वो मूव उससे ज़्यादा लेकर वो दूसरी तरफ चला जाएगा. तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज टू बी एन दैट इज़ इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ H2O दैट इज़ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. ओनली वाटर का मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ ऑस्मोसिस. और वाटर के जगह पे अगर कोई सॉल्यूट हो या तो फिर कोई भी सब्सटेंसेस हो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सुगर, सॉल्ट, कुछ भी हो, वो अगर मूवमेंट ले रहे हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बराबर याद रखना कि अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस. और अगर मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट का या तो फिर कोई भी सब्सटेंसेस का देन उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज टू बी एन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कि वो कोई कोई पार्टिकल्स को ही अंदर जाने देगा. सो अगर सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो वो क्या करेगा, बाहर जाने की उसके जो मटेरियल्स है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी एन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन. अगर सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन, या तो फिर अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज टू बी एन ऑस्मोसिस. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. इससे पहले एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि सपोज कि एक सेल वेसल में हमने HCl लिया हुआ है, उसमें एग हमने डाला. तो एग की अगर लेयर हम लोग समझे, जैसे कि मैं लास्ट टाइम हमने बताया था कि लार्जेस्ट सेल कौन सा था, ऑस्ट्रिच का एग था. तो उसको भी हमने सेल ही बोला है. तो उसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ नोन एज टू बी एन सेल वॉल. जब अगर हम एग को बॉईल करते हैं उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है दैट इज़ नोन एज टू बी एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो क्या होता है, इधर जो HCl है वो सेल वॉल को डिसॉल्व कर लेता है और वो पूरा अंदर का जो जितने भी मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंटली दिखाई देते हैं, पर अंदर का जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से प्रोटेक्टिव हो जाता है. तो दिस मींस कि ये जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये जो एग है वो जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई देता है. और या तो फिर अगर हम लोग एग को अगर वाटर में डालें तो वो स्वेल हो जाएगा. तो ये प्रोसेस जो है उसमें शायद अंदर वाला जो पार्टिकल्स है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होगा और बाहर वाला जो पार्टिकल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा. तो जो वाटर है वो अंदर मूव करने की कोशिश करेगा तो इसी के वजह से जो एग है वो स्वेल हो जाएगा. तो हियर वी हैव कम्प्लीटेड विद द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. नेक्स्ट टाइम वी विल बी लर्निंग अबाउट द सोल्यूशन दैट इज़ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. इसको हम डीप में समझेंगे. Thank you.